Hello friends, welcome to permutation.com. Today our chapter is combination. Let's see the question. First question is, in how many ways can I select two items from ABC? ABC में से हमें दो items choose करने हैं, तो उसके कितने तरीके हैं? कितने तरीके से हम दो items choose कर सकते हैं? इन तीन items में से A, B and C. First we will solve this question without any formula, without any technique. क्योंकि हमारे पास सिर्फ तीन ही number हैं A, B, C. तो A, B, C. कितने pair बन सकते हैं? पहला pair बनेगा A, B. कि हमें दो दो आइटम दें. दूसरा पेयर बनेगा बी सी और तीसरा पेयर बन सकता है सी ए. नाउ नो ऑप्शन इज बेस्ट. और कोई नहीं बन सकता पेयर, सिर्फ तीन पेयर बने. ये तो था बहुत छोटा सा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ तीन नंबर्स में से हमें चूज करना था. लेकिन अब हम इसमें अपना फॉर्मूला फिट करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर 3 है. तो आंसर इज 3. 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर. सी, दीज आर द 3 नंबर्स. 3. वी ऑलवेज राइट द नंबर अबव व्हिच वी हैव टू चूज फ्रॉम. वी हैव 3 नंबर्स, 3 इज हियर. कॉम्बिनेशन मींस चूज एंड वी हैव टू सेलेक्ट 2 आइटम. This is the formula. जितने में से हमें choose करना है वो number हमेशा ऊपर आएगा combination और यहाँ आएगा 2. अब 3 को इसको solve कैसे करते हैं? 3 को सिर्फ दो numbers तक लिखना है. 3 into 2. सिर्फ 1, 2 दो numbers तक लिखना है और 2 को last 1 तक लिखना है. 2 into 1. तो हमारा answer क्या होगा? ये दोनों कैंसिल, हमारा आंसर है 3. हमसे पेयर नहीं पूछा कि कौन कौन से पेयर बने हैं, हमसे पूछा कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट टू आइटम्स फ्रॉम दीज 3 नंबर्स. सो आवर आंसर इज जस्ट 3. इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 11 प्लेयर्स बी चूजन आउट ऑफ अ बैच ऑफ 15 प्लेयर्स. सिंपल, 15 प्लेयर्स में से चूज करने हैं कितने? 11. अब 15 को इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 15 को 11 नंबर्स तक लिखना पड़ेगा. तो अब यहाँ देखेंगे, अगर हम 11, 14, 13, 12, 11, 10 उसको 14 नंबर्स तक लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब बहुत बड़ी सीरीज बनने वाली होती है, तो इन दोनों का गैप देखिए कितना होता है. द गैप इज 4. सो वी कैन राइट दिस इन this one. The difference is 4. The difference is 4. तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो हमारा आंसर क्या होगा? और 15 को 4 नंबर्स तक लिखना है. 15, 14, 13 एंड 12. एंड हियर 4, 3, 2, 1. अब ये कैंसिल, 4 से ये कैंसिल और ये कैंसिल, 7. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे? 1, 3, 6, 5. तो ये हमारा आंसर आएगा 1, 3, 6, 5. 1365 डेज हमारे पास है, जो कि हम 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को चूज कर सकते हैं. एक छोटा सा मैं आपको यहाँ एग्जांपल बता देती हूँ. जैसे मैंने आपको बताया, लेट्स सपोज हमें 10 में से 8 पर्सन चूज कर लिए. ठीक है, अब हम इसको 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और इसको 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 को 8 नंबर्स तक लिखना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. जो नीचे वाला नंबर है उसको 1 तक क्रॉस करना है. तो देखो ये सारे कट गए और ये कट गया यहाँ से 5 और हमारा आंसर क्या है? 45.
लेकिन मैंने आपको भी बताया जब बहुत सारी सीरीज होती हैं तब हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इन दोनों का गैप देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर गैप देखा है उन दोनों का गैप कितना है 2। तो हम इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते थे, 10 को दो बार लिखते दो नंबर्स तक और ये 2 × 1, ये कट गया यहाँ पर 9×45। इतना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि आंसर तो हमारा सेम ही आ रहा है। ओके, इधर यू राइट इन दिस वे और इन दिस वे यू गेट द सेम आंसर। सो लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट 3 persons ऑफ सेम जेंडर आउट ऑफ 6 men and 5 women। एक चीज ध्यान रखना, सेम जेंडर और डिफरेंट जेंडर। सेम जेंडर मीन्स दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ईदर ऑर, ईदर ऑर मीन्स एड, डिफरेंट जेंडर मीन्स एंड, ईदर ऑर मीन्स सेम जेंडर, ईदर अ मेल और अ फीमेल, डिफरेंट जेंडर मीन्स one male and another should be a female, and means multiply always, same gender either there will be written same gender or either or we will use addition, and if there is a mark of different gender so we will be using multiplication. In how many ways can I select 3 persons from of same gender out of 6 men and 5 women? Out of 6 men we have to choose 3 persons and there is a sign of addition, and out of 5 women we have to choose 3 persons. Solve it. 6 3 times 6 5 4 3 × 2 × 1 5 4 3 3 × 2 × 1 6 को 3 नंबर्स तक लिखा 3 को 1 तक 5 को 3 नंबर्स तक और 3 को 1 2 2 कैंसिल, दिस कैंसिल दिस कैंसिल, व्हाट वी गेट 20 and 10, our answer is 30. This is the answer. Now, in how many ways, fourth question, in how many ways can I select 2 persons of different gender out of 6 men and 5 women? Different gender means we have to select only 2 persons now, and from of different gender, only 2 persons. It means one should be a male and another should be a female. Out of 6 men, we have to choose only 1 person because one should be a man and another should be a woman. एक बंदा यहाँ से चुनेंगे और एक बंदा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें टोटल 2 करने हैं, या तो वो एक मैन होना चाहिए और एक वुमेन होनी चाहिए. तो 6 × 5 सिंपल सीरीज, 6 × 5. This is 30. The answer is 30. So it was a part of combination. In my next video, I'll be teaching you another type of combination. Thank you for watching.